राजस्थान जयपुर जिले में हजारों युवा मित्र राजीव गांधी युवा मित्र को बहाल करने के लिए धरना दे रहे हैं। नए सीएम भजनलाल शर्मा के आने के बाद राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्न प्रोग्राम को 31 दिसंबर से समाप्त करने के आदेश जारी किया गया था। इस समय युवा मित्रों की संख्या करीब 5000 है, जो राजीव गांधी युवा मित्र को बर्खास्त करने के निर्णय के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान एक युवा मित्र नरसी राम शास्त्री को अलवर जिले का निवासी है की तबीयत खराब होने से उसे 108 एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस घटना ने विरोध प्रदर्शन को और भी तेजी दी है। युवा मित्रों का कहना है कि उन पर आरोप लगाया गया कि वे कांग्रेस विचारधारा के हैं, जिसके बाद उन्हें बर्खास्त किया गया। इस पूरे मामले में राजस्थान सरकार और युवा मित्रों के बीच विवाद तेज हो रहा है। सरकार द्वारा किए गए निर्णय का समर्थन और विरोध दोनों ही बढ़ रहे हैं, जिससे राजस्थान में युवा मित्रों का आंदोलन चरम सीमा पर पहुंच रहा है। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज 24। देखिए हमारे संवाददाता मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। इंडिया दस्तक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जहां राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार बनती है, वहीं 5000 लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी युवा मित्र के जो कर्मचारी थे, जिनको भजनलाल सरकार आते ही सरकार ने एक तरफ कर दिया है, वही आज उन लोगों का धरना प्रदर्शन काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। वहीं सरकार की तरफ से गैर रवैया तरीके से सरकार इनको हटा देती है और किसी तरह की कोई नहीं। ये वो युवा मित्र हैं जो राजस्थान सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो कि सरकार के अधीन आके काम करते थे, जो सरकारी योजनाओं का प्रचार करते थे। ये सरकारी काम करने के बावजूद सरकार ने इनको बिल्कुल दरकिनार करके हटा दिया है। इन लोगों की मांग क्या है, अब बात करेंगे हम उन्हीं से। किस मुद्दे के लिए बैठे हैं साहब, और क्या आप लोगों की मांग रहेगी सरकार से? सर, हमारी मांग है सरकार की कि हमें रोज़गार दे, हमें बेरोजगार नहीं करे। हम सरकार के लिए काम कर रहे थे और सरकार ने हमें नए साल पे लोग खुशियां मना रहे थे और हम घर बैठे दुख मना रहे थे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको छोड़ के यहाँ इतनी ठंड में यहाँ बैठे 3-4 दिन से। तो कितने लोग हो आप जो युवा मित्र में आते हैं? सर, हम 5000। अब आगे जाके सरकार का कुछ रवैया या सरकार से आप लोगों की कोई बातचीत हुई है? अभी तक तो हमें आश्वासन ही मिल रहा है। अब पता नहीं वो कितने दिन तक हमें आश्वासन देते रहेंगे। अरे हम अपना हक मांग रहे हैं, आश्वासन लेने नहीं बैठे, हमें हमारा हक दो, हमारा घर बार हमें चलाना है ना। तो सरकार का ये जो फैसला है, इसकी कोई ऐसी कोई ठोस वजह आप लोगों के सामने आई है जो सरकार ने इतना बड़ा कदम 5000 लोगों को बेरोजगारी की तरफ धकेला? हमें ये बोला जा रहा है कि हम कांग्रेस के बंदे हैं, जबकि हम कांग्रेस बीजेपी हमारा कुछ नहीं। हम गवर्नमेंट की योजनाओं को, जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर पे बैठे हुए लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। हम उन्हें जो जिन्हें लाभ नहीं मिल रहा था, हम उन्हें लाभ दिलवाने का काम कर रहे थे। हम कहाँ से तो सरकार से क्या प्रतिनिधिमंडल की आप लोगों की क्या बात हुई? सर, वो मिल ही नहीं रहे ना हमें यहाँ शांतिपूर्वक बैठकर धरना देने की, ना वो परमिशन दे रहे हैं, ना कोई हम नेता आगे आ रहा है, ना वो हमसे क्लियर बात कर रहे हैं। बस हमें आश्वासन ही मिल रहा है, अभी कब तक मिलेगा पता नहीं। जिस तरीके से देखा जा रहा है, ये सरकार के अधीन रहने के बावजूद, सरकार के योजनाओं का प्रचार करने के बावजूद 5000 लोगों को एकदम बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया जाता है। जहां भजनलाल सरकार अपने वादों पे कहती है हम युवाओं के लिए रोज़गार बढ़ाएंगे, पर कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो युवा हैं वो बेरोजगारी की तरफ धकेल दिए गए। आगे जाके सरकार का क्या रुख होता है? क्या नाम है साहब आपका? सर, मेरा नाम इमरान खान है। तो आप इस कब से जुड़े हुए हैं? सर, मैं लगभग 17 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। 17 महीने से? तो सैलरी क्या थी आपकी? 17,500, 2500 रुपये जो 2000 तेल के, 500 रुपये नेट के और 1500 रुपये स्टाइफंड थे हमारे। तो अब और क्या मांग रहेगी सरकार से आपकी? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ जो बीजेपी सरकार से, क्योंकि एक भूखे को रोटी की ज़रूरत होती है और बेरोजगार को रोज़गार की ज़रूरत होती है और प्यासे को पानी की ज़रूरत होती है। हमें किसी पार्टी विशेष का कार्यकर्ता नहीं समझकर, बल्कि एक आम आदमी जो आम जन के लिए सेवा के लिए उगर रहता है 24 टाइम,
बल्कि हमें ये सरकार से मांग करते हैं कि हमारे युवा मित्रों को वापस उनकी इंटर्नशिप बहाल किया जाए और कंटिन्यू कार्य जारी रखा जाए। तो आप आपको कितना टाइम हो गया युवा मित्र में काम? 4 महीने हो गए सर। तो क्या सैलरी थी आपकी? 17,500 थी सर। 17,500 तो सबकी सैलरी सेम ही होती है या? बिल्कुल बिल्कुल सबकी सेम है सर। तो जैसे काम जो करते थे आप सरकार के अधीन में, उसमें क्या क्या काम आप लोग करते थे? पूर्व की राज्य सरकार ने हमें लगाया था सर राजीव गांधी युवा मित्र के रूप में, जिसमें भारत सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए और राजस्थान सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए हम उन गरीबों तक पहुँचे, घर घर पहुँचे। गाँव में जैसे कि बहुत सारी विधवा भी होती है, विकलांग भी होती है, उनको योजनाओं का लाभ दिलवाया हमने, बहुत सारों का रजिस्ट्रेशन करवाया हमने, चाहे महंगाई राहत से संबंधित हो। अभी भारत संकल्प यात्रा चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें भी हमने काम किया, हमारी ड्यूटी थी सर उसमें भी, हम किसी पार्टी विशेष के नहीं हैं। तो भारत संकल्प यात्रा में आप लोगों ने जो काम किए तो उसके बावजूद आप लोगों के साथ ये क्यों? वही तो समझ में नहीं आ रहा सर। सरकार का काम होता है सर रोजगार देना, लेकिन भजन लाल जी तो मुख्यमंत्री बनते सबसे पहले ही किसी पूर्व की सरकार ने जिनको रोजगार दिया उनको छीन लिया। सरकार का काम है रोजगार देना, लेकिन ये तो छीनने से स्टार्ट किया इन्होंने, तो किसी को रोजगार तो दिया नहीं। तो सरकार ने ऐसा कोई ठोस रीजन बताया आप लोगों को? जो 25 तारीख को एक आदेश निकला उसमें सिर्फ इतना कहा कि आपका जो कार्यक्रम है RYMP का वो समाप्त किया जाता है, कोई खास कारण नहीं बताया। अभी भी 25 तारीख को जब आदेश निकला था उसके बाद 26 तारीख से 31 दिसंबर तक हमने धरना दिया था, और हमारा कोई डेलीगेशन उधर सरकार के पास सचिवालय में गया था, उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ दिनों का समय दीजिए, समय दिया, अभी भी हमने हमारा वो बहाल नहीं किया है युवा मित्रों को, अभी भी उसी स्थिति में मजबूरी में आकर के हमको आज मकर संक्रांति है उसी दिन धरना देना पड़ रहा है, तीन दिनों से हम लगातार यहाँ धरना दे रहे हैं। तो अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती है तो आप लोगों का क्या आगे जाके क्या रुख होने वाला है? हम ये धरना निरंतर जारी रखेंगे और आने वाले दिनों में हम भूख हड़ताल करेंगे जिससे कि ये सरकार हमारी मांगे माने, क्योंकि हम 5,000 युवा मित्र नहीं हैं, 5,000 परिवार है। इन 5,000 परिवारों को सरकार से हम यही अभी गांधीवादी तरीके से निवेदन कर रहे हैं कि इनको पुनः बहाल करें, इनको संविदा के अंदर लें ताकि इनको रोज़गार मिल सके। सरकार ने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि हम 2.5 लाख लोगों को रोज़गार मुहैया कराएंगे, लेकिन सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्रों के रूप में 5,000 को पहले ही आदेश के अंतर्गत रोज़गार से हटा दिया गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार को यही निवेदन करना चाहूँगा कि राजीव गांधी युवा मित्र जो कि एक 5,000 परिवार बहुत बड़ी संख्या होती है साहब, हमारे रोज़गार मिलने के बाद हमारे परिवार के अच्छी तरीके से भरण पोषण हुए हैं, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, इसके अंदर आप ये मान के चलो कि 18 महीनों से निरंतर ये राजीव गांधी युवा मित्र अंतिम छोर तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को ले जा करके उस अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, और ये 18 महीने काफ़ी होते हैं, इनमें बहुत सारे राजीव